नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि आपको उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो आज उसी का विश्लेषण करेंगे, उसी विषय पर दोस्तों हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अभी तक कहाँ तक प्रोसेस पहुँच गया है और कब तक आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की टीचिंग रिक्रूटमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट नहीं है। तो अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट है तो दोस्तों प्राथमिकता उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, ठीक है। तो ये आप जानकर चलना। और दोस्तों, जो ये टीचिंग रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आपको UPSC SSB के द्वारा देखने को मिलेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में आपको DTRPSB के माध्यम से दिल्ली सरकार की जो टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की जो आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है वो आपको मिलती है UPSC SSB के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 4,500 एडिड कॉलेजों में लगभग 17,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं शिक्षकों के लिए, तो उसी में आपको ये टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एडिड कॉलेज बोला है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें शिक्षक बनते हैं तो आपको तमाम वो सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी जो कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें ये मत सोचना कि ये एडिड स्कूल है, प्रॉपर गवर्नमेंट है, तो आपको फैसिलिटीज़ कम देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि तो कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में रिक्रूटमेंट निकले, कॉलेज में तो प्रोफेसर्स वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, दिल्ली की तरह यहाँ पर नहीं चलता, ठीक है। यहाँ दिल्ली में जो आपको 12 तक के स्कूल देखने को मिलते हैं उन्हें स्कूल से कहा जाता है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन्हें कॉलेज कहा जाता है, इंटर कॉलेज वगैरह कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ये मैक्सिमम अभ्यर्थी जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उन्हें मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, 17,000 पदों पर जो आपको उत्तर प्रदेश में टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है, ये आपकी TGT और PGT के लिए, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल्स के लिए भी है, तो उसकी भी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके फिलहाल अभी काम की चीज़ नहीं है। तो जो ये TGT की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको लगभग 13,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, और इससे हटके जब हम PGT की बात करते हैं तो इसमें लगभग आपको 2,600 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो TGT और PGT का मैंने बता दिया, बाकी प्रिंसिपल का भी अगर मैं बताऊँ तो 1500 के आसपास आपको प्रिंसिपल के पदों पर भी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उसमें आपसे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है तो उसकी बात नहीं कर रहे, और जो सच में प्रिंसिपल बनने की इच्छा रखते तो दोस्तों उन्हें तो वैसे ही पता होगा कि प्रिंसिपल के कितने पदों पर शिक्षक भर्ती निकले, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि TGT और PGT में कितने पदों पर आपको लगभग शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों, इस TGT PGT टीचिंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको UPSC SSB के द्वारा देखने को मिलेगी। तो उन्होंने बिल्कुल दोस्तों सारा का सारा काम पूरा हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन तैयार किया जा चुका है, जिसे हम विज्ञापन बोलते हैं, और जो एप्लीकेशन आप फॉर्म वगैरह भरेंगे उसका जो फॉर्मेट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट, दोस्तों सब कुछ तैयार किया जा चुका है, बिल्कुल एक भी काम पेंडिंग नहीं रहा है, ठीक है। अब पेंडिंग क्या रहा है, इन्होंने सब कुछ तैयार करके जो ये सेवा चयन आयोग है, जो UPSC SSB के द्वारा जो आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाले, इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा ली। इसने जितना इसका प्रोसेस था, जितना ये काम कर सकता था, सारा का सारा इसने कर दिया, और सारा का सारा काम पूरा करके विज्ञापन वगैरह सब कुछ तैयार करके इन्होंने NIC को भी सेंड कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों बस केवल इंतजार है, जो उत्तर प्रदेश के CM है, जैसे ही वो इसको मंजूरी देते हैं आपके समक्ष विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस बोर्ड के द्वारा आपको टीचिंग ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाले, उसने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी निभा ली, जिसने उसका काम तो सारा का सारा पूरा करके उसने NIC को सेंड भी कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, कब तक आपको ये टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो जो बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो इन्होंने ये कहा है कि ये 25 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने कोर्ट से वादा भी कर रखा है कि भाई वो अक्टूबर के महीने में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अब बात यहाँ पर फंसती है, अगर CM साहब हमारी मंजूरी नहीं देते हैं तो फिर ना ही कोर्ट इन पर भी दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जो भी इनका विज्ञापन वगैरह होता है या फिर एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, सब कुछ इन्होंने अच्छी तरह से कर लिया है, ठीक है। बस अब बात काटक जाती है जैसे ही CM साहब हमारे मंजूरी देंगे, नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो इनके अनुसार, यूपी के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अनुसार, इनका यह मानना है कि अक्टूबर में ये
ये नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे। अब बाकी दोस्तों भविष्य में पता चलता है कि सीएम साहब कब तक इसे मंजूरी देते हैं और कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब हम उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो यह रिक्रूटमेंट आपको 2009 में देखने को मिली थी, 2010 में देखने को मिली थी, 2011 में देखने को मिली थी, 11 के बाद आपको 13 में रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, 13 के बाद 2016 में आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी और 2016 के बाद अब आपको शायद से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर अब अक्टूबर में निकल जाता है नोटिफिकेशन तो लगभग आप देख सकते हैं 4 साल बाद आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 2016 के बाद डायरेक्ट आपको 2020 में ये टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिले, बीच में इतना ज़्यादा लंबा गैप हो गया। अब दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित मैं कुछ आपको हटके बातें बता देता हूँ। अब अगर आप पूरी मेहनत से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, जो ये एग्ज़ाम लेंगे आपसे, आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई करें उसमें दिन रात मेहनत करके उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देके आते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, बाकी कुछ समय बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका कितना स्कोर है। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, आपको ये पता चल जाता है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप खुश हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि क्या पता कब आपके आपको ये न्यूज़ सुनने में मिल जाए कि जिस टीचिंग रिक्रूटमेंट को आपने क्वालिफाई किया है उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसमें पेपर लीक हो गया था या फिर कोई और धांधलेबाजी हो गई थी जिसके कारणवश इस टीचिंग रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो आप यूपी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे दोस्तों, आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट निश्चित रूप से ऐसी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ये दिखेगा कि स्टूडेंट जो अभ्यर्थी होते हैं मेहनत से, पूरी मेहनत से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस टीचिंग रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। फिर कोर्ट केस वगैरह चलते हैं और बहुत समय बाद दोस्तों इसमें आपको नियुक्ति दी जाती है। तो इसमें मैं आपको, इससे आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आपको आत्मविश्वास के साथ तैयारी करनी है, लेकिन मैंने आपको एक तरह से बता दिया इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। बाकी इससे हटके आप किसी ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी हिस्ट्री अच्छी रही है, जैसे KVS की हम बात करें, NVS की हम बात करें, या DEE++B के माध्यम से दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है उसकी बात करें, इसके इनके आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो दोस्तों इनकी हिस्ट्री आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। तो इसमें तो एक बार के लिए आप ये मान कर चल सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता आंसर के आने के बाद, आपको ये ज्ञात होता है कि इस बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल ये संतुष्टि मान सकते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम यूपी की टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब दोस्तों आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए, आप अपना अवलोकन खुद से कर सकते हैं। आप देख लीजिए आप जिस भी तरह से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बाकी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बन जाते हैं TGT या PGT पद पर, तो KVS NVS या दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में, इसमें अगर आप टीचर बनते हैं तो इनकी अपेक्षा चाहे आपको सैलरी थोड़ी बहुत कम देखने को मिले, लेकिन दोस्तों आपको वर्कलोड भी कम देखने को मिलेगा। KVS NVS में काफ़ी ज़्यादा आपको वर्कलोड देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ओवर वर्कलोड देखने को मिलता है, आपको इतना ही वर्कलोड देखने को मिलता है जितना कि एक शिक्षक को मिलना चाहिए। लेकिन इससे हटके जब हम स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, यूपी की जब हम बात करते हैं, फिलहाल हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका किसी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया तो दोस्तों शायद से आपको थोड़ा बहुत वर्कलोड देखने को मिल जाए, बाकी अगर आप किसी गांव-वांव में पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों बहुत कम आपको वर्कलोड देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप ये भी मानकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों उत्तराखंड में भी परमानेंट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए TGT और PGT के लिए, उन वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इधर आई बटन पर दे दूंगा, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उन वीडियोज़ में मैंने बोला था कि उस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी आपके संदेह डाउट वगैरह हैं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कमेंट करा है, तो बहुत जल्द उस पर वीडियो आ जाएगी, कल ही शायद से वीडियो आ जाएगी, ठीक है, जिसमें उस रिक्रूटमेंट से संबंधित जितने भी आपके डाउट है उत्तराखंड में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली है तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर सब कुछ डाउट आपके क्लियर होने के बाद अगर आप उस टीचिंग रिक्रूटमेंट में एलिजिबल है तो निश्चित रूप से उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको हमारे इस SKASIN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल शिक्षक और शिक्षण से संबंधित ही सारी वीडियोज़ होती हैं। बाकी दोस्तों आप अपने मित्रों सगे संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी उत्तर प्रदेश में TGT या PGT स्तर पर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। तो बस मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org, ठीक है, यहीं से इसी वेबसाइट से आपका सारा का सारा प्रोसेस किया जाएगा
और बाकी आप जो जानकारी लेना चाहते हैं इस वेबसाइट से ले सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। बाकी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही ओपन होती है दोस्तों आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी सारी की सारी दोस्तों जो भी आपका इस टीचिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित प्रोसेस होगा, आपके फॉर्म भरने से लेकर आपकी नियुक्ति नियुक्ति तक, तो सारा का सारा प्रोसेस आपको यहीं से देखने को मिलेगा।